नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट लैपटॉप्स फॉर वीडियो एडिटिंग। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, बेस्ट लैपटॉप फॉर 50,000, 30,000, 40,000 मल्टीपल वीडियोस डाल रही हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, फाइनली इस वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, वीडियो एडिटिंग अगर आप अपने एज अ वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोस के लिए लेना चाहते हैं, आप फोटोग्राफी की वीडियोस लेते हैं यानी मैरिज फोटोग्राफी टाइप की वीडियोस भी आप बनाते हैं, तो आपकी किसी भी टाइप की वीडियोस हो सकती है, व्लॉगिंग टाइप की वीडियोस हो सकती है, किसी भी टाइप की वीडियोस को ऐसे अगर आपको एडिट करना है, एक आपको अगर फिल्म को ही एडिट करना है तो फिर बात अलग रहती है, बड़ी बड़ी मूवीज़ को वो अलग सेगमेंट है, लेकिन आपको नॉर्मल पर्पस पर वीडियो एडिटिंग करनी है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप के बारे में जो कि आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, नंबर वन पर जो लैपटॉप हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिलने वाला है वह दोस्तों डेल का रहने वाला है। यहाँ पर हमें डेल का XPS 15 OLED हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है जो कि 2021 के अंदर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है वह दोस्तों काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों, ये आपको CPU iCore चिपसेट 7 के अंदर देखने को मिलता है और दोस्तों इसके अंदर आपको GPU यानी ग्राफिक्स भी देखने को मिलते हैं, वो भी काफी बढ़िया रहेंगे। 16GB की रैम देखने को मिल जाती है, 512GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है और दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें 15.6 इंच के डिस्प्ले के साथ में जो देखने को मिल रहा है, काफी शानदार लैपटॉप हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके बाय कर सकते हैं। ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस जाननी है, ज़्यादा इसको पर डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके जान भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों, प्राइस सस्पेंस है, प्राइस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अप एंड डाउन होती रहती है। आज आप वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो में मैंने कुछ बोल दिया है, कल के रेट में वो प्राइस आपको ना मिले क्योंकि मिलने नहीं है, क्योंकि आज ऑफर से तो कम है तो कल ज़्यादा, परसों और कम, तो ये अप डाउन चलता रहता है। अगर ये आज की डेट की मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, कल रेट बढ़ जाती है, कल रेट घट जाती है, तो फिर दोस्तों आप हमसे कहोगे भैया आपने तो ये प्राइस बताई थी और अभी हमें इस प्राइस में नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपको प्राइस नहीं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नंबर टू पर जो लैपटॉप हमारे सामने यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है जो कि दोस्तों एप्पल का रहने वाला है, एप्पल मैकबुक 2 प्रो। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का मैकबुक प्रो आपको यहाँ पर देखने वाला है M2 सेगमेंट में जो कि 22 के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल नया स्मार्ट लैपटॉप से जो कि काफ़ी बढ़िया है, प्राइस तो आप सभी जानते हैं। अगर इसके स्पेक्स की बात करते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें दोस्तों 13.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। CPU की बात करी जाए तो एप्पल यानी मैकबुक 2 हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, M2 चिपसेट हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है 8-कोर प्रोसेसर के साथ में जो कि काफी ज्यादा बढ़िया, काफी शानदार है। लेकिन अगर आपको इसे बाय करना है, खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके बाय कर सकते हैं। एक अगर मैकबुक की अगर हम बात करते हैं तो यार वीडियो एडिटिंग के पर्पस पर ये काफ़ी शानदार लैपटॉप होते हैं, लेकिन इनके जो सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जैसे फाइनल कट प्रो हो गया, काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्राइस भी काफ़ी हैवी रहती है क्योंकि आप सभी ने एड सुना होगा यार, एप्पल के तो काफ़ी किडनी बेचने वाले टाइप के एड आते रहते हैं। उसी हिसाब से अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज़ में लेना चाहते हैं, यूज़ लेने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने एक बार सिस्टम्स को भी देख लेना चाहिए कि हम बाद में सॉफ्टवेयर लेने के लिए अफोर्डेबल हैं नहीं है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। हाँ, आपका अगर बजट है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, नंबर थर्ड पर जो लैपटॉप हमारे सामने यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है जो कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का रहने वाला है, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस बुक्स 3 हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है
जो कि काफी बढ़िया लैपटॉप हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है। अगर इस लैपटॉप के हम फीचर्स की बात करते हैं, क्या फीचर्स रहेंगे, फीचर्स की बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर हमें जो फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, इंटेल आई कोर 7 चिपसेट हमें देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करी जाए तो 15 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 32 GB की रैम देखने को मिल जाती है, 512 GB की SSD देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों काफी शानदार काफी बढ़िया है। 32 GB का यार रैम तो काफी तगड़ी, वीडियो एडिटिंग के लिए काफी शानदार लैपटॉप है। प्राइस फिर से मैं आपको समझा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करें, प्राइस देखें, इच्छा हो तो बाय करें, अदरवाइज वीडियो में भी बाय करें या नीचे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वैसे वीडियो को बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो हम 5 लैपटॉप्स आपको बताने वाले हैं, अभी तो 3 लैपटॉप्स बताए हैं। फोर्थ लैपटॉप्स की अगर हम बात करते हैं कि फोर्थ नंबर पर कौन सा लैपटॉप हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें दोस्तों HP करेगा, HP का ZBook G8 हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, स्टूडियो G8 जो कि काफी ज्यादा शानदार है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी डिस्प्ले क्या रहेगी, क्या रैम रोम रहेगी, तो दोस्तों डिस्प्ले की बात करी जाए तो इसके अंदर हमें यहाँ पर जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 15.6 इंच की डिस्प्ले रहेगी, इंटेल i9 कोर CPU के साथ में देखने को मिलता है, 32 GB की रैम, 2 TB की SSD देखने को मिलने वाली है और लगभग 4.56 यानी 4 यानी लगभग 5 घंटे तक का हमें बैटरी का प्रोवाइड करा देता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार काफी बढ़िया है। और दोस्तों लैपटॉप के अंदर 2 TB की HDD नहीं SSD SSD जी हाँ दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा शानदार काफी बढ़िया है। अगर आपका मानस है, बजट है बाय करने का, तो बेझिझक इस लैपटॉप को आप बाय कर सकते, जी हाँ दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके अगर आप बाय करते हैं तो कुछ कमीशन हमें भी मिलता है, कुछ बेनिफिट आपको भी मिलता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके इस लैपटॉप को बाय जरूर करें। चलिए दोस्तों लास्ट एंड फाइनल नंबर 5 पर जो लैपटॉप हमारे सामने यहां पर हमें देखने को मिलने वाले हैं, वह दोस्तों जो कि दोस्तों ASUS का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों ASUS ZenBook, जी हाँ ASUS ZenBook DO हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार काफी बढ़िया रहेगा। अगर बात करी जाए इसके डिस्प्ले की, तो दोस्तों ASUS के ZenBook Pro DO की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 15.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, i9 CPU देखने को मिल जाता है, 32 GB की रैम देखने को मिल जाती है, 1 TB की SSD देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसके बारे में लगभग 6.5 घंटे 6.50 तक का बैटरी बैकअप हमें प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया काफी शानदार रहेंगे। देखा जाए तो स्मार्टफोन काफी शानदार, मतलब ये लैपटॉप्स काफी बढ़िया हैं। एक आपका मानस वीडियो एडिटिंग का पर्पस है तो काफी बढ़िया है, नॉर्मल पर्पस से एक आपको अकाउंटिंग पर्पस से लैपटॉप चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए स्टूडेंट लाइफ के पर्पस से, आपको होम यूज के पर्पस से लैपटॉप चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कमेंट जरूर करें, क्योंकि नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं उसी सेगमेंट के ऊपर आपको उसी टाइप के लैपटॉप सजेस्ट करके बताऊंगा, जो आपको इन फ्यूचर काम भी आएंगे, पसंद भी आएंगे, इसीलिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करिए कि भैया मेरा बजट है कि मुझे 30,000 के अंदर लैपटॉप चाहिए, 50,000 के अंदर लैपटॉप चाहिए, 40,000 के अंदर लैपटॉप चाहिए, 60,000 के अंदर लैपटॉप चाहिए, 1 लाख के अंदर लैपटॉप चाहिए, 2 लाख के अंदर चाहिए, 3 लाख के अंदर चाहिए, हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए, यार जो भी चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।